अब होगी इंसाफ की बात, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश, जनता की समस्याओं पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए आप देखते रहिए इंसाफ की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात, मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। गुर्जर समाज इन दिनों 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव मना रहा है। पिछले साल भी गुर्जर समाज ने बड़ी धूमधाम से महोत्सव मनाया था, इसी तरह इस साल भी ऐतिहासिक स्थल सूरजकुंड मेला परिसर में 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव मनाया जा रहा है। गुर्जर महोत्सव में रविवार को देश के 13 राज्यों से करीब 5 लाख लोगों ने शिरकत की। बता दें, सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव की थीम हरियाणा रखी गई, जहां गुर्जर आर्ट और कल्चर को दर्शाया गया। मौजूद है सूरजकुंड में, बता दूं गुर्जर महोत्सव लगा हुआ है। 23, 24 और 25 दिसंबर का जो है ये मेला लगा हुआ है। यहाँ पर पूरे हरियाणा से पूरे देश के जो है यहाँ पर गुर्जर आए हुए हैं और अपनी बिरादरी अपनी कल्चर को यहाँ पर जो है दर्शा रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सिंगर भी आए थे जो यहाँ पर लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आज जो है दूसरा दिन है और पूरे 4.5 या 5 लाख जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं, गुर्जर समाज के लोग आए हुए हैं। मान कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। वहीं जब इंसाफ की बात से संवाददाता पूजा राठौर ने गुर्जर आर्ट और कल्चर ट्रस्ट के अध्यक्ष दिवाकर बिधुड़ी से बात की तो उन्होंने बताया कि 2 साल से गुर्जर महोत्सव का आयोजन हुआ है। पिछले साल गुर्जर महोत्सव में दिल्ली की थीम रखी गई थी और इस बार गुर्जर महोत्सव में हरियाणा की थीम रखी गई है। यहाँ इस बार कुछ ज्यादा मंच भी बनाए हैं, कार्यक्रम भी कुछ ज्यादा हैं और हमारी जो संस्कृति है उसको दिखाने के जो हमने स्टॉल बनाए वो भी बहुत ज्यादा है। हमारा एक मंच केवल महिलाओं के लिए समर्पित है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप उस मंच पर जाइए, इससे ज्यादा भीड़ है वहाँ। कल्चर ट्रस्ट के अध्यक्ष दिवाकर बिधुड़ी ने बताया कि यहाँ पर पूरे देश के गुर्जर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जो अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस बार ज्यादा स्टेज शो बड़ी चौपाल पर किए गए हैं जिसमें गुर्जर समाज के सिंगर स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में गुर्जर कल्चर को दर्शाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में महिलाएं गुर्जरी ड्रेस पहनकर बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और मेले का लुत्फ़ उठा रही हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर फैशन शो भी रखा गया। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर के अध्यक्ष दिवाकर बिधुड़ी से पूछा गया कि गांव में घूंघट में रह रही महिलाओं के लिए अलग से गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि अब पहले वाली बात नहीं है, अब समय बदल गया है। गुर्जर महोत्सव में बड़ी तादाद में महिलाएं भाग ले रही हैं। गुर्जर महोत्सव में समाज के बारे में गहराई से समझने के लिए आयोजकों ने गुर्जरों के अलग अलग गोत्र और खाप के बारे में बताने और समझाने के लिए अलग अलग चौपाल भी लगाई। पुरानी छोटी चौपाल के पास ही सभी चौपालों को सजाया गया है। सूरजकुंड मेला परिसर में आयोजित गुर्जर महोत्सव में नास्ती महिलाएं दूर दूर से आए लोगों ने मेले के चौपाल पर हो रहे कार्यक्रमों का जमकर लुत्फ़ उठाया। सबसे ज्यादा आनंद में महिलाएं दिखाई दी। घर से घूंघट की ओट में आई महिलाओं ने मेले में कदम रखते ही थिरकना शुरू कर दिया। संस्कृति की झलक के साथ ही देशी विदेशी गानों की धुन पर महिलाओं और युवतियों ने नृत्य के साथ समा बांध दिया। मुख्य चौपाल पर हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कव्वाली ने लोगों का मन मोह लिया। साहब, ये दूसरी बार हमारा प्रोग्राम है। पिछले वर्ष हमने जो ये प्रोग्राम किया था गुर्जर महोत्सव, उसका थीम हमने दिल्ली रखा था। ये हमारा अब की बार गुर्जर महोत्सव 2023 है जिसकी थीम अब की बार हमने हरियाणा रखी है। हमारा जो समाज है लगभग 13 राज्यों में है और सभी 13 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं आज लगभग 4-4.5 लाख लोग यहाँ पर अब तक आ चुके हैं। वहीं मेले में लोगों को चौधरी की पगड़ी खूब पसंद आई। ज्यादातर बुजुर्ग और जमींदार घर से ही पगड़ी बांधकर आए थे लेकिन यहां बांधी जा रही ऊंची पगड़ी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। मेले में आने वाले युवकों के साथ युवतियों ने भी पगड़ी बंधवाई। घोड़ी के डांस को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आए। गाँव के साथ ही शहरों में रहने वाले गुर्जर समुदाय के लोग भी इस मेले में आए। यहाँ बुजुर्ग और युवा सभी एक साथ हुक्का गुड़गुड़ाते भी नजर आए। स्कूली छात्र हुक्के के साथ अपनी फोटो खिंचवाना नहीं भूल रहे थे। इसी के ठीक साथ में पुरानी कथाओं को बताने वाली ज्ञानवर्धक रागनियों का एक मंच सजाया गया। समाज का बखान करती ये रागनियां जब ढोलक और बैंजो की धुन के साथ सुनाई जाती हैं तो लोग इस पर भी थिरकने लगते हैं। गुर्जरों ने बताया कि गुर्जर अपनी धरती के लिए अपने प्राण देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी गुर्जर हो, गुर्जर समुदाय एक देशभक्त समुदाय है। गुर्जर समुदाय अपने देश के प्रति बहुत ही देशभक्त है। गुर्जर देश में ही नहीं
विदेशों में भी खेल, राजनीति, शिक्षा या मनोरंजन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।